आज हम बनाएंगे मार्केट जैसा बहुत ही स्वादिष्ट क्रिस्पी कुरकुरी चाइनीज पकोड़ा, वो भी घर पर ही। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने चटनी को रेडी कर लेंगे। यहाँ पर मैंने आधा ग्लास पानी को उबालने के लिए रख दिया था। अभी टोमेटो में इस तरह बीच में चीरा लगाते हुए कट कर लेंगे और इसको पानी में डाल के बॉईल कर लेंगे। इसी तरह से मैंने बाकी के टोमेटो में भी चीरा लगा लिया है। अब इसको ढक के 5 मिनट्स के लिए सॉफ्ट होने देंगे। अभी हम इसको चेक कर लेते हैं कि टमेटो का छिलका जो है अच्छे से उतरने लग गया है और हमारा टमेटो भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसको ठंडा करके छील लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। अभी मैं इसमें 7 से 8 लहसुन की कलियाँ जिसको मैंने छील लिया है उसको हम इसमें डाल देंगे। 6 से 7 लाल मिर्ची है, आप मिर्ची अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको चटनी तीखी और चटपटी बनाना है तो आप चिली का क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अभी इस तरह से हम इसको भून लेंगे। अभी इसमें हल्का कलर आ चुका है। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ के ऑनियन है जिसको रफली चॉप कर लिया है, अभी इसको भी हम इसमें डाल देंगे। अभी इसको हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक हम भून लेंगे। अभी ऑनियन जो है हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है। यहाँ पर जो टमाटो हमने बॉईल किए थे उसको मैंने उसका छिलका निकाल के मैश कर लिया है, अभी हम इसको भी इसमें डाल देंगे। अभी हम इसको थोड़ी देर और फ्राई कर लेंगे। 1 टेबल स्पून सॉल्ट। अभी ये अच्छे से भून चुका है, इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे, फिर बाद में हम इसको पीस लेंगे। पीस लिया है और हमारे जो पकोड़े के लिए चटनी है वो बनकर रेडी है। मैं इसको एक कटोरी में डाल के साइड में रख दूंगी। यहाँ पर मैंने कैबेज को अच्छे से बारीक कट कर लिया है। आप इसको चॉपर से ना कट करें नहीं तो इसमें ज़्यादा पानी निकलने लग जाएगा। इस तरह से चाकू से इसको बारीक बारीक कट कर लिया है मैंने। अभी हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। यहाँ पर हम इसमें मैदा का आटा ले रहे हैं, इसको थोड़ा थोड़ा डाल के हम इसमें मिक्स करते जाएंगे। एक साथ पूरा आटा नहीं डालेंगे, इस तरह से इसको मिक्स करते जाएंगे। पानी हमको बिल्कुल भी नहीं डालना है अभी, क्योंकि जैसे ही हम सॉल्ट ऐड करेंगे कैबेज में भी पानी निकलेगा, तो उसके हिसाब से हम इसमें बाद में पानी डालेंगे। तो पहले हम इसको अच्छे से आटे के साथ मिक्स करेंगे। यहाँ पर इसमें मैं 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल दूंगी। अभी इसको भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी इसमें मैं 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा रेड कलर, जो फूड कलर आता है आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा, ये 1 पिंच ऐड करूंगी मैं। ज़्यादा डालने से इसका कलर जो है ज़्यादा डार्क हो जाएगा। अभी इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे हम इसमें हल्का सा पानी डालेंगे इसका कलर अच्छे से आ जाएगा। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अभी आप देख सकते हैं जो कलर है कैसे अच्छे से आने लग गया है। पानी एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके हम इसको डाल के मिक्स करते जाएंगे। जब हम इस आटा को मिक्स करके छोड़ देंगे तो कैबेज में से एक्स्ट्रा वाटर भी इसमें निकलेगा, उसके हिसाब से हम इसमें पानी डालेंगे। अगर आप पहले ही बहुत गीला इसको रेडी कर दिए तो बनाने के टाइम और भी पतला हो जाएगा और हमारा जो पकौड़ा है अच्छे से नहीं बन पाएगा। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसमें लगभग 1.5 कटोरी मैदा लिया है मैंने और 1/2 गिलास के करीब पानी डाला है। उतने में ये आटा अच्छे से बनकर रेडी हो चुका है। अभी हम इसको 15 मिनट्स के लिए ढक के रख देंगे, तब तक ये थोड़ा सा और पतला हो जाएगा क्योंकि कैबेज से पानी निकलेगा। अभी हम इसको रख देंगे, इसको इस तरह से कवर करके 15 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। बैटर को चेक कर लेते हैं। आप इस तरह हाथ में इसको लेके देखेंगे, ये अगर नहीं चिपका तो ये अच्छे से इसका बैटर जो है बनकर रेडी हुआ है। ऑयल में हम थोड़ा थोड़ा करके अपना बैटर जो है डालते जाएंगे। आपको पकोड़े का साइज़ कितना बड़ा चाहिए आप उतना बड़ा बड़ा डाल सकते हैं। अभी मैंने सारे पकोड़े ऑयल में डाल दिए हैं। इसको बिल्कुल ही लो टेम्परेचर में हम फ्राई करेंगे, नहीं तो हमारे पकोड़े जो है बाहर से तो पूरा जल जाएगा और अंदर से कच्चा ही रह जाएगा। तो हम इसको कम टेम्परेचर में ही फ्राई कर लेंगे। इस तरह से पलटते हुए हम इसको फ्राई करेंगे और अच्छे से कुरकुरा होने देंगे। अभी ये अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब हम इसको निकाल लेंगे। अभी हमारा गर्मा गर्म चाइनीज पकौड़ा जो है बनकर रेडी है। आप इसको चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं।